ये चेक करें भाई, ये और दो गाड़ियां यहाँ पे तैयार हैं। एक वाइट कलर में है और एक जो है ना ब्लैक कलर के अंदर है। आ हा, भाई जीशान भाई को तो जो है ना गाड़ी अच्छी लगी है। अब जीशान भाई ने बोला कि आप चलाएं, अब हम चलाएंगे। ये देखें ब्लैक कलर के अंदर है भाई, हम चलाएंगे उड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज सैटरडे है, वीकेंड है, लेकिन जो है ना आज थोड़ी सी बोरियत बोरियत हो रही है। क्यों? क्योंकि जब घर में बच्चे ना हो ना तो समझ लें आप घर में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। आज सुबह मैं बेगम को और बच्चों को जो छोड़ के आ गया अपना उनकी वालदा के घर पे, नानी के घर पे, और अभी जो है ना आज मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे पास दो काम हो सकते हैं। एक तो हमें गाड़ी का फॉलोअप करने के लिए जाना है कि भाईजान क्या वो गाड़ी कोई निकाली उन्होंने हमारे लिए, नहीं निकाली ठीक है तो हो सकता है कि हम वहाँ चले जाएँ, और नहीं तो मैंने जो है ना अब अपना केज पूरा जो है ना फुल करना है, ऊपर का केज पूरा खाली है। तो या तो हम जो है वो बर्ड्स मार्केट जाते हैं और कोई ऐसी बर्ड लेके आते हैं इस दफा कि जो थोड़ी सी जो है ना सख्त जान हो, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो कमजोर ना हो। क्योंकि हमें अफसोस होता है कि अगर कोई भी जो है ना बर्ड बीमार हो जाए या इनके मर जाए तो हम जो है ना दोनों में से किसी एक जगह पे चलते हैं। पहले तो बहुत भूख लगी है, खाना वाना खाते हैं, इसके बाद फिर लेके चलते हैं आप लोगों को। दिन स्टार्ट करें, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना भाई खाना अम्मी ने बनाया है, सही है, और चिकन कढ़ाई बनाई है। मजेदार बनी है भाई। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ भाई आमिर की दुकान के पास। यूसुफ को पिक करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब डिसाइड करना है, हमने उल्टे हाथ पे जाएंगे तो हमें जो है ना गाड़ियों के लिए जाना पड़ेगा खालिद बिन वलीद रोड, और सीधा जाएंगे तो आगे जो है वो हम बर्ड्स के लिए जा सकते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चले गाड़ियों वाले रोड पे जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, अगर कोई रैंडमली देखते हैं, अगर कोई 2017 की नजर आई ना तो जरा मालूम करेंगे भाई। हाजिरी लगाने के लिए जो है ना हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है कि भाई हमें गाड़ी चेंज करवा दो करवा दो करवा दो करवा दो। आज जो है ना हमारे जीशान भाई चला रहे हैं और हम बराबर में बैठे हुए हैं, सही है। 4x4 है, 3000 cc है, ठीक है, और इसकी जो है ना सबसे पहली टेस्ट ड्राइव जो है ना जीशान भाई ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर पास की इसके बाद हम चलाएंगे। भाई जीशान भाई को तो जो है ना गाड़ी अच्छी लगी है, अब जीशान भाई ने बोला कि आप चलाएं, अब हम चलाएंगे। ये देखें ब्लैक कलर के अंदर है भाई, हम चलाएंगे उड़ाएंगे। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आपके पास भी पहले कौन सा 17 का मॉडल था? 17 था। आपको 17 वाला ज्यादा अच्छा लगता है 20 वाला ज्यादा? 17 क्योंकि 3000 cc, इसीलिए। ये 16 है। हाँ ये 16 है, ये 16 है, लेकिन है 3000 cc। और इस पे जब हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे तो आप लोग सोचेंगे क्या करेंगे। चलो भाई लॉक हो जाओ। अभी जो है ना हम लोग एक और गाड़ी देखने के लिए आए जो कि 2017 का मॉडल है, ठीक है, एक प्लॉट में खड़ी हुई है। ये भाई 3000 cc 2016 का नहीं 2017 का मॉडल ना, 2017 का मॉडल है ये। अभी जो है ना जीशान भाई चेक कर रहे हैं, है तो साफ सुथरी बज़ाहिर, लेकिन चीज़ें साफ सुथरी दिखती हैं अंदर से समटाइम्स होती नहीं है। देख रहे हैं भाई चेक हो रही है गाड़ी, तफसीलन चेक कर रहे हैं जीशान भाई। गाड़ी अब ऐसी आनी चाहिए कि यहाँ पे डीजल की जगह लिखा हो मिनरल वाटर एक्वाफीना, हैं पानी डालें और चलाएं 4x4। जब इसके ऊपर पानी लिखा हुआ आ गया ना तो फिर पानी भी मिलेगा 200 रुपये लीटर 250 रुपये लीटर। अब ये गाड़ी चेक की है थोड़ी सी बाहर बाहर से जीशान भाई ने, अब जो है ना इसकी टेस्ट ड्राइव लेने की बारी आ गई है। वाह यार यहाँ पे भी जो है ना मुर्गियाँ चेक करें आप, ओए ओए माशाल्लाह। नहीं भाई ये जो व्हाइट वाली हमने देखी ना ये 2017 का मॉडल था, जो ब्लैक वाली थी वो 2016 का मॉडल था, लेकिन इससे बहुत अच्छी साफ सुथरी थी, चलने में भी अच्छी थी, लेकिन ये 2017 का मॉडल था, फिर भी इसके अंदर मजा नहीं था। मतलब जीशान भाई जो है ना खुद चलाने से मुतमईन नहीं हुए बिल्कुल भी, तो इन्होंने बोला कि ये आप ड्रॉप करें, तो हमने बोला चले ड्रॉप करते हैं। अब हम जा रहे हैं, कोई तीसरा ऑप्शन मिलता है तो वो देखने के लिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। जीशान भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने तो बहुत सारी गाड़ियां चेंज की होंगी, आपका ज़ाहिर काम है, ठीक है, तो आज तक सबसे ज्यादा मजा आपने जो है ना किस गाड़ी में लिया? LX 570 में। क्या बात है, फुल हैवी सीन है भाई। असर की नमाज हमने नहीं पढ़ी थी, असर की नमाज भी पढ़ ली, अभी हम शोरूम पे वापस आ गए हैं, ठीक है, साथ में ये लिमका आ गया, लिमका भी पी रहे हैं, और दो मजीद गाड़ियां इन्होंने जो है ना मंगवा के रखी हुई है वो रही भाई बाहर खड़ी हुई, ठीक है, अभी हम आपको लेके चलते हैं, सही है। जीशान भाई पहले नमाज पढ़ लें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये लीची है,
हाँ लीची बेहतरीन बना हुआ है। ये चेक करें भाई, ये और दो गाड़ियां यहाँ पे तैयार हैं, एक वाइट कलर में है और एक जो है ना ब्लैक कलर के अंदर है। आ हा हा यार, लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता ब्लैक पसंद करते हैं। ब्लैक जो है ना गाड़ी ऐसे में गंदी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है यार, पूरी मिट्टी में भरी रहती है। वाइट जो है ना बहुत ही सोबर डिसेंट लगती है। अब चलें देखते हैं, जो गाड़ी अच्छी मिल गई हम तो ले लेंगे, हम कलर के ऊपर नहीं जाएंगे, जो गाड़ी अच्छी मिल जाएगी हम इंशाल्लाह ले लेंगे, लेकिन रेंज में आनी चाहिए। अभी दीशान भाई वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन बता रहे हैं यार कि ये भी रेंज से बाहर निकली है, हालांकि हम 2016 पे जाने के लिए भी तैयार हैं, पुराने से पुराने मॉडल पे। वाइट वाली की बारी पहले आई है, वाइट वाली हम निकाल रहे हैं। सही है, ये देखने में अच्छी लग रही है गाड़ी, अब चला के देखेंगे तो पता चलेगा, पहले वाइट वाली फिर ब्लैक वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 16 है, ये 16 है। अच्छा, इसके अंदर देखें जो है ना स्क्रीन लगवाई हुई है बंदे ने, है ना। ये दो आती है, जी और वी। ओके, वी जो है वो समझ लें फुल ऑप्शन होती है। ओके भाई, ये वाली जो व्हाइट वाली है ना, ये उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना चाह रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से पुराना मालिक यहाँ रहता होगा इस गली में। चले भाई, अब थोड़ा सा भगाते हैं इसका पिकअप, चेक करते हैं। हम तो जो है ना थोड़ी बहुत चीजें ही चेक कर सकते हैं, असल चेक करने वाले तो बराबर में बैठे हैं। सही है, हम तो सिर्फ अपने मतलब की चीजें देखते हैं बस। चले भाई, यहाँ मैंने चला ली ये गाड़ी, अभी जो है ना जीशान भाई चलाएंगे, लेकिन आपके भाई को तो मजा नहीं आया। दरवाजा नहीं खुला, बस तो मैं गाड़ी के साथ ही जाओ भाई। अभी तक जितनी भी गाड़ियां चलाई ना, जो ब्लैक वाली चलाई थी ना पहले, वो अभी तक सबसे अच्छी लगी है मुझे भी और दीशान भाई को। ठीक है, ये दीशान भाई को भी जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आई वाइट वाली गाड़ी, बाहर से बॉडी वाइज बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से बिल्कुल फारिग है। तो अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक का, वो हम चला के देखेंगे। ये वाली चलाएंगे भाई हम, ये वाली, ये भी बॉडी वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, अंदर का क्या सीन है पता नहीं भाई। बैठे बैठे बैठे, लास्ट गाड़ी आज के दिन की। अल्लाह, इसमें भी वही स्क्रीन लगी हुई है। बहुत आवाज है, बहुत आवाज है। भाई जीशान भाई ने बोला ये आप ड्राइव ही नहीं करें गाड़ी। सही है, क्योंकि जीशान भाई ने बोला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तो गई गुजरी। वाइब्रेशन बहुत है इस गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशन जब होती है ना तो लॉन्ग रूट के ऊपर बंदे का दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है वाइब्रेशन की आवाजों से। जीशान भाई एक बात बताएं, ये जो ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है, सिविक है, कौन सा मॉडल है ये? 22 का, 2022 का मॉडल है। कितने की है ये? 65 की, ये नंबर वाली गाड़ी है। ओए ओए, 67 की है 0 मीटर। हम अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक्वा लेके निकल गए रोड पे। यार एक्वा जो है ना उसकी एक अपनी क्लास है, यकीन करें बड़ी मजेदार गाड़ी है। आवाज इसके अंदर बिल्कुल नहीं, खैर इंजन इसका और सेंटा का सेम ही है, लेकिन इसकी बॉडी के हिसाब से जो है ना इसका इंजन बहुत परफेक्ट है, और इसका जो पिकअप है आप इसको एक्सेलरेट करें और कहां जाती है ये गाड़ी। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, अभी भी मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, दिल करता है ले लूं वापस, लेकिन मसला ये है कि फैमिली की वजह से जो है ना मैं ये गाड़ी नहीं रख सकता ना, फैमिली के हिसाब से इसकी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं है, वरना गाड़ी तो यार बहुत जबरदस्त है। क्या कहते हो यूसुफ, है ना मजेदार गाड़ी, नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले सकता ये, वरना गाड़ी मुझे एक्वा अभी भी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा, रोड खाली है, सही है, चेक करें ये देखें। ओए ओए, चलें भाई बहुत हो गए मजे, बहुत सारी गाड़ियां आज मंगवाई हमने, पूरा दिन हमारा यहीं पे लग गया, बर्ड वर्ड तो हम कुछ ले भी नहीं सके, लेकिन सिलसिला ये है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कोई अच्छी गाड़ी कम पैसों में मिल जाए यार वो, तो हमारा अच्छा हो जाएगा काम, सही है, हमारा एडवेंचर ट्रिप बहुत अच्छा चला जाएगा उसके अंदर। ठीक है, वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, आज रात को तो अभी किसी को पता ही नहीं है, आज रात को तो हम लोग कहीं जा रहे हैं भाई, लेकिन वो आप लोगों को अगले व्लॉग के अंदर ही पता चलेगा। अभी फिलहाल हम गाड़ी से उतरते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। जी भाई ये नहीं यार, ये गाड़ी ये ग्रैंडी मुझे नहीं पसंद भाई। चले भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जी भाई आपके लिए एक और गाड़ी है। ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी बहुत सस्ती है यार, ये हम नहीं रखेंगे। जब भाई अब डिसाइड ये हुआ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जो ब्लैक वाली हमें पसंद आई है ना, अब उसके अंदर जो है ना चीजें चेक करानी, अपेरेंटली वो गाड़ी अच्छी लग रही है, इनको प्राइस के हिसाब से भी अच्छी है, और बाकी सारी चीजों में चलाने के हिसाब से पिकअप हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये सारी चीजें अच्छी लग रही है। अब जीशान भाई ने बोला कि मैं उसका इंजन चेक कराऊंगा और बाकी जो कुछ चीजें हैं वो मैं सारी चीजें चेक कराऊंगा, इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मीनवाइल जो है ना हम अपनी वर्किंग जो है वो जारी रखेंगे, और अगर और कोई अच्छी गाड़ी आ गई तो हम वो भी जो है इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो भाई ये सिलसिला है, ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं। अब जो है ना हम लोग फाइनली लेने के लिए रहे हैं बच्चों को, क्योंकि घर जो है ना मम्मी कैसा लगता है बच्चों के बगैर? बहुत सोना सोना लगता है भाई, तो अब जो है ना कोई भी नहीं होता, मतलब हम होते हैं फिर भी ऐसा लगता है कोई भी नहीं है। तो अब बस जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए, देखें थोड़ी देर लगेगी। अम्मी भी घर में अकेली बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, तो मैंने बोला कि अम्मी को भी साथ ही ले लेते हैं और साथ ही चलते हैं लेने के लिए। चलें भाई, अब यूसुफ भाई आप तैयार हैं?
यूसुफ भाई के होने का पता है हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मुझे और आमिर को, क्योंकि हमारे जो है ना बच्चे बहुत अच्छे से संभाल लेता है, ये पिशी पॉटी भी करा लेता है, डायपर भी चेंज कर लेता है, सब कोई उठा भी लेता है, दो दो तीन दिन बच्चे एक साथ उठा लेता है, तो ये तो हमारे लिए जो है ना बोनस है, इसीलिए जो है ना इसको हमारे साथ बहुत सारे बोनस मिलते रहते हैं। यूसुफ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भूख भी लगी हुई और ये देखो मछली तल रहे हैं ये लोग, हाय 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 भाई क्या खुशबू आ रही है मछली की, हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या लेके जा रहे हो? चूजे। चूजे ले लिए तुमने? देसी है ये? जी। वाह भाई, अभी खरीद के लेके जा रहे हो घर पे? पालोगे? शौक है तुम्हें? वाह यार जबरदस्त, चलो एंजॉय करो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कभी, कैसे हो आप बताओ? अब्दुल कभी आपको याद आई पूरा दिन मेरी? हाँ। आई आई मिस कर रहे थे आप पापा को? कर रहे थे ना, चलो आ जाओ आ जाओ। ये देखें यूसुफ जो है ना अपनी ड्यूटी निभाते हुए मोहम्मद अहमद को उठा लिया और हाथ में सामान भी उठा लिया। चलो भाई मेरे बच्चे का सोने का टाइम हो गया है। किसके पास सो गए? पापा के पास सो गए? मम्मू के पास सो गए? मम्मू के पास। भाई अभी जो है ना तकरीबन एक दो हफ्ते हो गए अब्दुल कभी जो है ना मेरी अम्मी के पास सो रहा है आजकल, सही है ना? तो अभी जो है वो यहीं पे सोता है इसी रूम के अंदर और तैयार होके आ गया है सोने के लिए, और मम्मी जो है ना मीठी 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 आपकी पप्पी लेंगी फिर आपको सुला देंगी, ठीक है? चले भाई, होपफुली आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और आज हमने जितनी रेवो चलाई है उतनी जिंदगी में कभी नहीं चलाई है, लेकिन ये कि बस कोई अच्छी मिल जाए दुआ कीजिएगा। कल जो है ना हम लोग थोड़ा सा तफरी वाला जो है वो चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।